भगवान श्री राम की भक्ति और रेल की सीटी का संगम, राम की आस्था और ट्रेन के हिचकोलों का समागम, भगवान राम की श्रद्धा अब भारतीय रेल से जुड़ने जा रही है। भारतीय रेल आपको रामायण काल में ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी 14 नवंबर से रामायण एक्सप्रेस शुरू हो रही है, मतलब रेल का सफर और राम की आस्था का बंधन, क्योंकि रामायण का जो संबंध है वो श्री राम के जीवन चरित्र से ही है। तो इस बार हमने श्री राम के जीवन चरित्र को रामायण को यात्रा से IRCTC के टूर से लिंक करने की कोशिश की है। रामायण एक्सप्रेस को लेकर राम भक्तों में इतना उत्साह है कि 7 जुलाई को इसका ऐलान किया गया और 15 दिनों के ही भीतर इसकी सभी सीटें बुक हो गई। ये रेल दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और इसका पहला पड़ाव राम की जन्मस्थली अयोध्या होगा। ये आपको हनुमानगढ़ी, रामकोट और कनक भवन के मंदिरों के दर्शन करवाएगी। इसके बाद नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर धाम, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम तक ले जाएगी। तो ये इस बार हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ हमने जो इंडिया का उसका पोर्शन है और श्रीलंका का पोर्शन है, दोनों को कंबाइन किया, इसको एक अलग रूप देने की कोशिश की है, जिसमें कभी हम पहले जनकपुर धाम नहीं ले जाते थे, इस बार हमने जनकपुर धाम भी आइटनरी में डाला है। और इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन चित्रकूट जैसे है, और जैसे नाथ पंचवटी की अगर बात कर रहे हैं तो आप नासिक है, तो ये काफी हमने डेस्टिनेशन को डालने की कोशिश की। राम भक्त चाहे तो कोलंबो तक भी हवाई यात्रा के द्वारा रामायण से जुड़े स्थानों के दर्शन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें हमारी जो 800 सीटें हैं उनका जो रेट है, जो ट्रेन जर्नी जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए 15,120 रुपया प्रति व्यक्ति है, और जो जिन्होंने फ्रॉम चेन्नई टू जो है श्रीलंका का टूर ऑप्ट किया है, उन्हें हम चेन्नई से कोलंबो ले जाएंगे, कोलंबो से श्रीलंका के जो 2 मंदिर हैं उनको हम जो मुनीश्वरम, मुनावरी, रामबोड़ा ये सब डेस्टिनेशन उन्हें दिखाएंगे, उसका रेट हमारा 47,600 रुपये अलग से है, जिसमें एयर जर्नी का फेयर और ऑल ऑफ बोर्ड एंड ऑन बोर्ड अरेंजमेंट्स। यात्रा के दौरान खाने पीने, ठहरने और घुमाने की जिम्मेदारी रेलवे की ही होगी। रामायण एक्सप्रेस को मिले जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए रेलवे ने ऐसी 3 और रेलगाड़ियां शुरू करने की तैयारी भी कर ली है, जो कि राजकोट, जयपुर और मदुरै से शुरू होंगी। भारत में इस तरह की थीम पर आधारित टूरिस्ट ट्रेन चलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना शुरू से ही था, जो धीरे धीरे अब साकार हो रहा है।